यहाँ शिक्षा से तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, जिसमें देश एवं दुनिया की जानकारी और समझ शामिल है, तार्किक चिंतन शामिल है, समालोचनात्मक चिंतन कर पाए ये भी शामिल है, बच्चे में अच्छे मूल्यों का विकास हो पाए ये भी शामिल है, और शिक्षा ज्ञान एवं मूल्य का उपयोग करते हुए ठीक से निर्णय ले पाए, ये सभी चीजें एक अच्छी शिक्षा के आयाम है। ये विषय सुनिया पढ़कर एक बार तुम्हारे मन में ये भी आता होगा या आया होगा कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके अभिभावक की है, स्कूल की है, सरकार की है, तो हर कोई व्यक्ति उसमें क्या मदद कर सकता है। और इसको देखें कि एक बच्चा समाज में जब आता है, किसी राष्ट्र का नागरिक होता है, हम भी किसी राष्ट्र के नागरिक होते हैं, किसी गांव के नागरिक होते हैं, शहर के नागरिक होते हैं, तो हमारे एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारा क्रम और व्यवहार इस तरह का हो कि हमारा गांव, शहर, राष्ट्र मजबूत बने। आज के इस वैश्वीकरण के दौर में एक राष्ट्र तभी मजबूत और समृद्ध हो सकता है जब उसका हर नागरिक शिक्षित हो, समझदार हो, हर तरह के ज्ञान से अपडेट हो, समृद्ध हो। अतः हर नागरिक जब शिक्षित होगा, शिक्षित हो, इसके लिए उस राष्ट्र के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति चाहता है हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, खुशहाल बने, और खुशहाल बनने के लिए एक अच्छा समझदार नागरिक होना जरूरी है, और समझदार नागरिक होने के लिए उसको अच्छी शिक्षा का होना, अच्छी शिक्षा का पाना बेहद ही जरूरी है। अतः अगर इस दृष्टि से देखें तो एक हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि उस देश का हर नागरिक अच्छे से पढ़े लिखे, उसमें उसका योगदान रहे, और वो जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा प्रयास, हर नागरिक समझदार बने या शिक्षित बने उसके लिए प्रयास करे। दूसरी तरफ देखें तो हर नागरिक किसी तरह किसी संस्था से जुड़ा रहता है, वो संस्था बाजार की हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उस दृष्टि से भी देखें तो ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति के कंधों पर आ रही होती है। आज हम इस सेमिनार के माध्यम से इस विचार के कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले और उसके हर नागरिक की किस तरह से जिम्मेदारी है, इसके विविध आयामों का प्रयास कर रहे होंगे। व्याख्यान पूरा जो जिस तरह से आगे बढ़ेगा उसके मुख्य मुख्य बिंदु इस तरह से हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत कब से हुई, भारत मतलब जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरह से शिक्षा प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई, किस तरह से उसमें नए नए आयाम जुड़ते गए, किस तरह से इसके ऊपर व्याख्या होती गई, और कैसे आज तक का आतंकी यात्रा पूरी कर पाया, शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थित विकास क्रम किस तरह से रहा, इस पर भी इस व्याख्यान के दौरान सर ये कुछ साथियों के माइक स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ, शिक्षा के स्तर, शिक्षण प्रक्रियाओं में, अप्रोच में किस किस तरह से बदलाव आया, पहले शिक्षक सेंटर्ड अप्रोच थी, बाद में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमारी शिक्षण प्रक्रियाओं में आई, शिक्षा को लेकर सरकार के स्तर पर किस तरह से विभिन्न नीतियां आई और उनका हमारे शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार हुआ, किस तरह से मदद मिली, सरकार के साल में शिक्षा की तरफ झुकाव किस किस तरह से रहा, और उसके तहत सरकार की ओर से किस किस तरह के प्रयास किए गए, सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो इसमें किस तरह की बाधाएं हैं, किस तरह की चुनौतियां रही है, उन चुनौतियों को किस तरह से पार कर पाए, किस तरह से उनको दूर कर पाए, किस तरह से प्रयास रहे, वे सब चीजें हमारे जो मुख्य वक्ता विचार रखेंगे उसमें ये चीजें आ रही होंगी। शिक्षा के सार्वजनिकरण में सरकार की भूमिका, शिक्षा के सार्वजनिकरण में समाज का योगदान, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन जब तक समाज का हर व्यक्ति ये नहीं चाहेगा या हर व्यक्ति अपना योगदान नहीं देगा, तब तक ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसको हासिल करना
बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पहला चैलेंज तो यही था कि बहुत बड़ा देश है, देश की आर्थिक स्थिति इतनी समृद्ध भी नहीं थी, क्योंकि शिक्षा में बहुत खर्चा होता है, तो हर बच्चा स्कूल में इनरोल्ड हो, नामांकित हो, फिर उसके बाद उसका ठहराव हो और उसके बाद उसको अच्छी शिक्षा मिले और मूलभूत सुविधाएं भी स्कूल में उपलब्ध हो, ये कई इस तरह की चुनौतियां हैं जिनको दूर करने में सरकार लग रही है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस तरह से हो रहा है और ये इस वैश्वीकरण के दौर में किस तरह से एक अच्छा नागरिक बने, ताकि इस वैश्वीकरण के दौर में खुद को दूसरों से कम्पीट करके एक अपना जीवन अच्छे से चला सके, इसके लिए किस तरह का नागरिक तैयार करें और किस तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, किस तरह की शिक्षण प्रक्रियाएं चलानी होगी, ये तमाम चीज़ें सोचने का विषय हैं और उसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर शिक्षा नीतियाँ बनती है, शिक्षा क्रम बनते हैं, पाठ्य पुस्तकें बदलती है और ये संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं बदल रही होती है, कई सारी प्रक्रियाएं उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये सब चीजें आज के इस व्याख्यान में आप सबको दिख रही होंगी। इसी के साथ मैं आगे मुख्य वक्ता है श्रीमान राकेश राणा जी, उनको देता हूँ। राकेश राणा जी एमएम कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन करवा रहे हैं और ये समय समय पर कई सारे पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख भी देते हैं, प्रकाशित भी होते हैं, देश भर में विविध विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा संगठनों एवं संस्थाओं के द्वारा जो व्याख्यान दिलवाए जाते हैं, दे रहे होते हैं, उनमें इनका योगदान होता है, ये भी उनमें व्याख्यान देते हैं। और हमारे हालांकि राकेश जी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे अनुरोध पर राकेश जी हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों का प्यार एवं हमारा अनुरोध, इनको जब भी हम इनसे आग्रह करते हैं हमारे साथ आने को ये मजबूर हो रहे होते हैं और हमको समय दे रहे होते हैं। तो हमने अभी राकेश जी से आग्रह किया था और इनका जो व्यस्ततम प्रोग्राम था उसमें से समय निकाल कर ये आज हमारे साथ आ रहे हैं। ये पूरी चर्चा वैसे समय हमने 2 घंटे का रखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं अगर हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी तो उससे पहले भी हम इसका समापन कर सकते हैं, लेकिन राकेश जी लगभग 50-60 मिनट अपनी बात रखेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे, जिन भी साथी को अपने भी विचार रखने उनको भी समय देंगे और इस प्रकार आज का पूरा ये सेमिनार ये व्याख्यान चल रहा होगा। तो इसी के साथ मैं सम्मानीय मुख्य वक्ता श्रीमान राकेश राणा जी से आग्रह करता हूं कि वह मंच पर आए और अपनी बात शुरू करें। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? हाँ आ रही है सर, आ रही है। जी जी जी, सभी साथियों को नमस्कार। अधिकतर साथी पुराने मेरे जाने पहचाने हैं, तमाम दोस्तियां रहती हैं, उनमें लीजिए के माध्यम से आप सबसे मिलना जुलना रहता है। आप सबका बहुत आभार, देवेंद्र जोशी जी, कैलाश गुप्ता जी, कन्हैया जी और जितने साथी जितनों के मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, वो सब साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आज के बहुत साधारण विषय का चुनाव करने के लिए और सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर वार्ता रखने के लिए आप सबको आभार। टोंक राजस्थान के शिक्षा विभाग और उसके तमाम अधिकारियों का आभारी होने के साथ साथ ऑनलाइन जुड़े तमाम शिक्षक साथी, प्राचार्य साथी और विद्वान मैं आपके साथ सबके लिए शिक्षा हम सबकी जिम्मेदारी जैसे विषय पर एक बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और आपसे लगता है शायद मुरली जी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि एक ही वक्ता को बार बार सुनवाना आप लोगों को बोरिंग करने जैसा है। वो राकेश जी को दिल्ली से आप लोगों को बार बार सुनवाते हैं, तो कहीं आपसे नाराज तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन मुझे आपके साथ बातचीत करके और आपके विषयों पर कुछ सोचने पढ़ने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जहाँ तक इस विषय की बात है कि सबके लिए शिक्षा और हम सब की जिम्मेदारी, चाहे उसमें समाज है या सरकार है, ये कैसे संभव हो, क्योंकि ये संकल्प देश की आजादी के पहले दिन से हमारी सरकारें दोहरा रही हैं। और अब तो देश क्या दुनिया के बीच ये बहस का विषय है कि कैसे दुनिया में सब साक्षर हो, कैसे सबका शिक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, क्योंकि दुनिया ने अपने डेवलपमेंट का जब मूल्यांकन किया और यूएनओ जैसे बड़े संस्थानों ने बैठकर दुनिया के और तमाम देश के विकास के जो मॉडल देखने समझने की कोशिश की, तो उसमें ये पता चला कि जब तक हम अपनी कुछ बेसिक चीजें नहीं हासिल कर लेंगे तब तक विकास संभव ही नहीं है, या जो विकास हो रहा है तो उस विकास का कोई मायने नहीं है। इसलिए 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एमडीजीज के नाम से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें 2015 में उन्हें बदलना पड़ा, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम पर दुनिया ने विकास बाजार के माध्यम से तेज तो किया, लेकिन पर्यावरण जैसे मुद्दे, सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे, समाज में समानता, एकता और सद्भाव जैसे मुद्दे आगे बढ़ने और सुलटने के बजाय और उलझ गए। इसलिए 2015 में जब आत्मावलोकन हुआ और ये चिंता जाहिर की कि इस तरह के डेवलपमेंट से हम करेंगे क्या, हमारे बहुत सारे देश जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं या विकासशील समाज कहते हैं, नहीं है आधारभूत स्वास्थ्य की सुविधाएं, नहीं है लोग अभी तक साक्षर होने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। तो इन सारी चिंताओं को केंद्र में रखते हुए एमडीजीज को बदलकर एसडीजीज में कन्वर्ट किया गया। एसडीजीज में क्या फर्क आया, एमडीजी जिन्हें हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कह रहे थे, आप सब शिक्षक साथी है वो सब डिटेल जानते हैं, ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो चौथा गोल है तो सबके लिए शिक्षा निर्धारित है। जब तक दुनिया में सब होंगे, सब स्वस्थ नहीं होंगे, सबके लिए हम बेसिक स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल जैसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे तो क्या इसका मायने है, हम कैसी दुनिया बना रहे हैं। और अगर कोई देश, कोई समाज या दुनिया सबको शिक्षित भी नहीं कर सकता, सबको पढ़ा लिखा भी नहीं सकता, तो वो कैसे डेवलप कंट्री या एक सभ्य दुनिया का निर्माण करेंगे। तो इन सारी चिंताओं की तरफ जब देखा गया और सुना गया तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, या शिक्षा के सार्वजनिकरण और शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसी अवधारणाएं बौद्धिक लोगों के बीच उभरी और लगातार उन्होंने उन पर चिंतन मंथन किया और देश दुनिया की सरकारों पर ये दबाव बनाए, देश दुनिया की सरकारों पर ये दबाव जब बने यूएनओ के द्वारा या और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है दुनिया की, या जो इन सब काम के लिए ऐड देते हैं, मदद करते हैं, उन्होंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वजनिकरण जैसी बातें उठाई और सब सरकारों को उनके बजट में विशेष प्रावधान करने के दबाव बनाए गए। तब सरकारों ने इस तरफ मुस्तैदी सोचा
क्योंकि भारत का सीन जब हम देखते हैं तो से पहले तो भारत में एक औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई आधुनिक भारत में, तो वहां टुकड़ों व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था का विकास टुकड़ों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर आधारित थी और उसमें गुरुकुलों के माध्यम से हम अपने समाज की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते थे। लेकिन उसमें अच्छी बात यह थी और जो पुराने साक्ष्य गुरुकुलों के मिलते हैं कि भारत का कोई भी ऐसा गांव अछूता नहीं था जहां तक गुरुकुल नहीं थे। हाँ, कुछ विशिष्ट गुरुकुल जिनके बड़े नाम थे जो आज भी हैं, कुछ बड़े विश्वविद्यालय हैं, कुछ एवरेज हैं, लेकिन सब जगह हैं। इसी तरह गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था गांव-गांव तक मौजूद थी, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को अचानक से झटका तब लगा तब अंग्रेजों ने एक फॉर्मल एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस की और औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जब 1813 में अंग्रेजों ने शुरू की और 1813 के अधिनियम के साथ ये तय किया कि हम अपने ढंग से एक मॉडर्न किस्म की एजुकेशन भारत में विस्तारित करेंगे, तो एक पूरी व्यवस्था बदल गई। उन्होंने खाली यही नहीं किया कि खाली अपनी एजुकेशन व्यवस्था या एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने हमारी गुरुकुल प्रणाली को ब्रेक भी किया, कहा कि ये मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, सबके लिए शिक्षा की इसमें गुंजाइश नहीं है। इस तरह के प्रहार भारतीय शिक्षा अपनी शिक्षा थोपी। सबसे पहले कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई, कलकत्ता की स्थापना के साथ साथ एक अच्छा काम अंग्रेजों ने ये भी किया कि कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित किए। एक अलग बात है कि उन संस्कृत महाविद्यालयों में उन्होंने अपने लोगों का और ब्रिटिश अधिकारियों का संस्कृत में अध्ययन अध्यापन पर विशेष जोर के लिए वो तमाम सुविधाएं डेवलप की कि हम यहाँ के लिटरेचर को, यहाँ के देश को संस्कृत साहित्य के माध्यम से समझेंगे और अपने ढंग से इस देश की प्लानिंग करेंगे। बेशक उसका मोटो ये था, लेकिन ये एक अच्छा कदम था कि कलकत्ता कॉलेज के साथ साथ तीन संस्कृत महाविद्यालय भी कलकत्ता में स्थापित किए, जिसका काम यही था इस भारत में शिक्षा की व्यवस्था को एक सामान्य रूप से कैसे प्रचार प्रसार का आधार बनाकर इस काम को आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ फिर 1823 तक आते आते एजुकेशन को लेकर एक सामान्य समिति गठित की और इस सामान्य समिति में भारतीयों की संख्या खास तौर से रखी और भारतीयों के अलावा जो ब्रिटिश इन दिनों संस्कृत का अच्छा ज्ञान हासिल कर चुके थे, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को समझने लगे थे, उन्हें भी इस सामान्य समिति में समाहित किया और इसमें एक मेजोरिटी या बड़ी संख्या थी ओरिएंटलिस्ट की। ओरिएंटलिस्ट जो प्राच्य विद्यावादी थे, यानी कि भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय दृष्टिकोण में आस्था रखते थे, तो इस समिति में खास तौर से इस तरह के लोग ज्यादा डोमिनेंट किए। उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की एक व्यापक योजना 1823 के बाद बनानी शुरू की और बहुत सारी सिफारिशें सरकार को दी। इससे सरकार को ये लाभ हुआ कि वो ये जानने समझने में उन्हें आसान, लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस ढंग से चाहते हैं और उन्होंने इसी के साथ साथ अपने ढंग से तो उनकी मनसा थी उसको भी उसके साथ कंपेयर करके देखा। इसी का परिणाम ये रहा कि अगले 10 साल बाद अपना उन्होंने पूरी तैयारी करके 1935 में
एक विधिवत ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के रूप में भारत में इंट्रोड्यूस की। जब मैकाले ने 1935 में अपनी शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया, तो उसने देखा कि कैसे यहाँ की जड़ें मजबूत हैं, कैसे यहाँ का एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटअप है, कैसे यहाँ मंदिर एक शिक्षा के बड़े केंद्र है, कम्युनिटी इंट्रैक्शन के एक बड़े केंद्र हैं, जहाँ पर लोग लगातार मिलते तो है ही हैं, जो शिक्षण का लोगों को स्थानीय स्तर पर ज्ञान देने का एक बड़ा माध्यम है, कैसे इन सब परंपरागत चीजों से शिक्षा को बाहर निकाला जाए और अपने ढंग की शिक्षा व्यवस्था लागू कर अपने राज्य के अनुकूल, ताकि हमारा राज यहाँ मजबूत हो सके, इस तरह की नई जनरेशन भारतीय समाज में तैयार हो सके, जिसे हम लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, उसमें ये चीजें बहुत साफ थी, उनका अपना पूरा प्लान था। इसलिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जिस ढंग से जो प्रावधान किए, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मनसाएं हमारी पूरी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना था और एक अंग्रेजी शिक्षा को हमारे ऊपर व्यवस्थित ढंग से थोपना था। क्योंकि उन्होंने आते ही लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले एक तो ये किया कि एक इस जो अपर क्लास था उसमें एक अंग्रेज मानसिकता परस्त लोबी तैयार हो, ये उनका स्पष्ट वो था कि पहले हम कुछ ऐसे स्कूल्स खोलेंगे जिनमें एक अपर क्लास में जो थोड़े ज्ञान समझ और सहयोगी और उदार प्रवृत्ति के लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा सीखें, अनुकूल अपना लिखा लें। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को फ्री करने की व्यवस्थाएं अपने बजट में की या बहुत सस्ते दरों पर प्रकाशन को खोला, अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया और फारसी के काम को पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह लगातार जो पूरे सरकारी कामकाज में, अदालतों में, इनमें एक दूसरी भाषाएं काम कर रही थी, उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाने से रोजगार के अवसर भी अंग्रेजी भाषा की तरफ डाइवर्ट हो गए और अंग्रेजी का वर्चस्व, अंग्रेजी के प्रति लोगों का मोह, अंग्रेजी के प्रति लोगों का लालच लगातार बढ़ता गया। सेकंड चरण में उन्होंने यहाँ की एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट खोलने शुरू किए, रुड़की जैसे इंजीनियरिंग संस्थान को बनाया। उसके बाद उन्होंने इस शिक्षा पद्धति के मूल्यांकन के लिए लगातार कुछ कमीशन्स बनाए, कुछ आयोग एक के बाद एक बनाते गए, ताकि इस पूरे सिस्टम का, ये जो उन्हें लागू किया था, इसका एक सही ढंग से इवैल्यूएशन होता रहे और हम जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर अपने लक्ष्यों को साधने की दिशा में बढ़ते रहे। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 में उन्होंने बैठाया। 1854 के इस कमीशन का पूरा टारगेट ये था कि एक तो जो हमने 1935 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की है वो कितने इफेक्टिव ढंग से आगे बढ़ रही है, इसकी रिपोर्ट हमें दे। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को, प्रसार को, उसके विकास को कैसे और अस्थाई ढंग से मजबूत किया जा सकता है, उसका फैलाव किया जा सकता है। तीसरा, इसका एक काम ये था कि कैसे एक प्राइमरी लेवल पर व्यवस्थित ढांचा बन सके, तो इसने प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन और कॉलेज के बाद महाविद्यालय के फॉर्मल और प्राइमरी स्केच कुछ कुछ इसका देने की कोशिश की, जिसे इसके अगले कमीशन हंटर कमीशन ने, जो 1882 में बना, उसने इसको और व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया और अपने ढंग से इस काम को बढ़ाते हुए लगातार इसमें इजाफा किया, बताया कैसे प्राइमरी लेवल पर हम क्या पढ़ाएं, किस तरह का एजुकेशन सेटअप बनाएं,
माध्यमिक लेवल पर क्या पढ़ाए। हंटर कमीशन ने बिल्कुल जो आज हम साइंस आर्ट कॉमर्स और इन सारी चीजों का एक बड़ा क्लियर सा ढांचा देखते हैं, तो ये हंटर कमीशन ने उस समय इस पर काम करके बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, साहित्य का, और एक ऐसा स्ट्रक्चर व्यवस्था हमें दी कि 12 साल तक स्कूलिंग का एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया। उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स 12वीं के बाद वो उसने बड़े ढंग से हमारा स्ट्रक्चर किया। हमारी यूनिवर्सिटीज को उसने इंटीग्रेटेड फॉर्म देके जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो भी हंटर कमीशन की ही देन है। और नेक्स्ट चरण में उसने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो टीचर ट्रेनिंग है जिसे आज भी हम और आप ले रहे हैं या लगातार आप देते हैं, टीचर ट्रेनिंग का जो पार्ट था ये भी हंटर कमीशन के दिनों में इंट्रोड्यूस किया। एक अच्छा काम जो मैं मानता हूँ इन्होंने किया, इसी के साथ इन्होंने विमेन एजुकेशन को, महिला शिक्षा को भी प्रभावी ढंग से इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने किन किन चीजों को किया, एक तो पूरा 12 साल तक का जो कॉलेज का पैटर्न था, फिर 3 साल का डिग्री वाला पैटर्न था, फिर हमारे यूनिवर्सिटी इसको रेजिडेंशियल बनाकर और पूरे इंटीग्रेटेड ढंग से स्थापित किया, और नेक्स्ट में एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और विमेन। तो ये जो एक ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक मुकम्मल ढांचा बन गया था, अगर गौर करेंगे तो अभी लगभग लगभग हम उसी का उपभोग कर रहे हैं। या हमारी शिक्षा नीतियों में अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई बहुत ड्रास्टिक या आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, उस ढांचे में आंशिक संशोधन या थोड़े बड़े संशोधन हमने जहां जिस हिस्से में करने की कोशिश की है तो वो इतना भर हुआ है। और ये इससे भी जाहिर होता है कि आजादी के करीब 20-22 साल बाद भी हम जिस मैकाले पद्धति की बुराई करते हैं, जिस मैकाले पद्धति में सबसे ज्यादा संकट खोजते ढूंढते हैं, उसी के सहारे आजाद भारत ने अपना काम चलाया। क्योंकि 1968 तक आते आते जब कोठारी कमीशन बना और पहली नई शिक्षा नीति भारत की, स्वतंत्र भारत में अपनी शिक्षा नीति बनाने का एक पूरा प्रक्रम और उद्यम चला, तब तक हम मैकाले पत्ती के सहारे ही अपने इस काम को चला रहे थे। तो उस नई शिक्षा नीति की शुरुआत जो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई, उसमें भी हमने अपने इसी संकल्प को पुनः दोहराया जिसे आजाद भारत में हमारी सत्ता शपथ ग्रहण के समय दोहरा रही थी कि हम सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, सबके लिए शिक्षा निःशुल्क करेंगे, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य करेंगे। जिस यूनिवर्सलाइजेशन या एजुकेशन फॉर ऑल का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यह आजादी से पहले भी एक लक्ष्य था, आजादी लेते हुए हमारे नीति निर्देशक का भी कमिटमेंट और संकल्प यही था, और आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति में भी यही संकल्प था कि कैसे सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित हो और कैसे हम उसे हासिल करें। आजाद भारत में जब पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचे के तहत डेवलपमेंट का एक प्लान बनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक शैक्षिक विकास का पूरा एक नियोजन किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपने शिक्षा बजट को 7-9% रखा, और जब 5 सालों में हम उसका सही सदुपयोग भी नहीं कर सके, जब उसे सही से खर्च भी नहीं कर सके, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसे हमने घटा दिया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उसे 6% कर लिया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में फिर घटा लिया, और लगातार जब वो इन पंचवर्षीय योजनाओं में घट रहा था, हमारा पूरा नेतृत्व उसे सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से लगाने करने की व्यवस्था शिक्षा में नहीं कर पा रहा था,
तो हमने नई नीति बनाने की तरफ ध्यान दिया और कोठारी कमीशन बना, नई उन्हीं दिनों नई शिक्षा नीति 1968 इंट्रोड्यूस हुई, जो लगातार 1986 तक हमने जिसका मूल्यांकन, जिसका काम हमने देखने परखने की कोशिश की। इस बीच कई समितियां, कई उसके मूल्यांकन की एजेंसियां हमारे सामने आई और बीच में हमने उसमें एक छोटा सा आंशिक संशोधन 1980 के आसपास 79 में शायद किया और उसको हमने एक छोटा सा परिवर्तन कुछ चीजों में करने के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन भी देखा कि शायद शिक्षा को हम प्रभावी ढंग से इसलिए लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरे देश की शिक्षा को हम सेंट्रलाइज ढंग से देख रहे हैं। तो हमने इसे राज्यों को इस जिम्मेदारी को दे दिया, राज्यों का मुद्दा शिक्षा को बना दिया और तब से एक नए प्रयोग में और उलझ गए कि शिक्षा राज्यों का एक काम रहेगी और राज्य अपने ढंग से अपनी शिक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन कुछ राज्यों ने इस काम को होने से पहले ही अपने ढंग से संभाल लिया था, जिस केरल मॉडल की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक पूरी दुनिया में चर्चा होती है, भारत के हर संदर्भ में जिसकी बात की जाती है, उसके डेवलपमेंट का कारण ये नहीं था कि वहां राज्य को दे दिया या कुछ दे दिया, वहां उस कमिटमेंट का अंतर था को बार बार दोहरा जा रहा था कि सबके लिए शिक्षा। केरल ने स्वतंत्र भारत की पहली विधानसभा में, अपनी पहली विधानसभा में ही इस संकल्प को सच्चाई और ईमानदारी के साथ संशोधित कर अपनाया और अपने राज्य में समाज की सहभागिता के माध्यम से, है ना, समाज के कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के कारण संपूर्ण प्रदेश को साक्षर करने के मॉडल की तरफ बढ़ाया। बहुत सारे शिक्षा को लेकर अपने ढंग के प्रयोग उन्होंने किए और नए नए ढंग से शिक्षा को सामाजिक सहभागिता के आधार पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन बाकी राज्यों की या तो कहें वो प्राथमिकता नहीं रही या एक राजनीतिक नेतृत्व का दृढ़ संकल्प और विल पावर जिसे हम कहते हैं, उस ढंग से शिक्षा को लेकर हम नहीं देखते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्थाएं राज्यों से लेकर केंद्र तक प्रयोग का एक क्षेत्र बनती रही और इस तरह आते आते जब हमने फिर 10-20 साल बाद मूल्यांकन किया और देखा कि 80 के दशक में भारत तेजी से बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, भारत के दुनिया के साथ संपर्क बढ़ रहे हैं, उदारीकरण की हवाएं 1980 के बाद से ही तेज होने लगी थी और दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन, हमारी ट्रीटीज, हमारा व्यापार बढ़ने लगा था, तो शिक्षा की रिक्वायरमेंट बदलने लगी थी। अब हमें कैसी शिक्षा की जरूरत है, अब हमें कैसे टेक्नोक्रेट्स चाहिए, अब हमें कैसे साइंटिस्ट चाहिए, अब हमें कैसे एजुकेटेड सोसाइटी की जरूरत है, तो हम दूसरी शिक्षा नीति की तरफ सोचने लगे थे और हमने 1986 नई शिक्षा नीति या दूसरी नई शिक्षा नीति की तरफ रुख किया। इस दूसरी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे बदलाव थे जो एक आधुनिक भारत की हमें ले जाने की तैयारी कर रहे थे और इसके आते आते जैसे 1986 में ये हुआ तो अगले 3-4 साल में भारत ने बिल्कुल अपने डेवलपमेंट के मॉडल को पटरी से उतारकर एक दुनिया के साथ अपने आप को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो एक दुस्साहस दिखाया और नई आर्थिक नीतियों के साथ दुनिया के साथ ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया और जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का एकदम एक ग्लोबल मॉडल हमने अख्तियार कर लिया, तो हमें दिखाई दिया कि जो एजुकेशन पॉलिसी 96 में हमने बनाई थी अब उसमें कुछ और बदलावों की जरूरत है, जिसे हम बहुत जल्दी नई शिक्षा नीति बनाने की तरफ तो नहीं बढ़े,
हालांकि बढ़ सकते थे तब भी बनाई जा सकती थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर बढ़ने के लिए देश को एक नई ढंग की मैन पावर और एक नई ढंग की चीजों की जरूरत थी, जिसकी तरफ बढ़ना, जिसकी तरफ जाना एक नई सदी की आवश्यकता थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो हम उसे नई शिक्षा नीति की तरफ बढ़ने के बजाय हमने एक काम चलाऊ परिवर्तन 1992 में किए, क्योंकि 1991 में हम नई आर्थिक नीतियों को अपना चुके थे, दुनिया के साथ अपने तमाम क्षेत्रों में अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए साइन कर चुके थे और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर बढ़ चुके थे। तो हमने नई शिक्षा नीति को बनाने के बजाय कुछ आंशिक संशोधनों को करते हुए 1992 में अपनी 1986 वाली शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए, और उसमें खास तौर से हमने यही देखा कि कैसे एक यूनिवर्सल एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन के साथ आप पर दबाव भी थे, अब आप दुनिया के उस चार्टर का हिस्सा भी विधिवत रूप से थे, बहुत सारे आपको मानने थे जिस पर आपको दुनिया का दबाव था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव था, आप अपने यहाँ के शिक्षा स्तर को बढ़ाइए, अपने यहाँ के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाइए, अपने यहाँ के करप्शन को कम कीजिए, अपनी तमाम चीजों को व्यवस्थित कीजिए। तो उसी दिशा में बढ़ने की तरफ हमने 1992 में ये बदलाव किए, खास तौर से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर ये कुछ बदलाव थे। इन्हीं दिनों ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव और इसके कारण SSA का एक प्रोग्राम जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और सबके लिए शिक्षा की दिशा में दुनिया की तरफ से बढ़ा, और वर्ल्ड बैंक जैसे प्रोजेक्ट और इन सारी चीजों का सपोर्ट के कारण सर्व शिक्षा अभियान एक बड़ा सपना लेकर भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन के दबाव बना रहा था। ये दबाव कैसे थे कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को फैसिलिटेट करिए, जो गांव का तबका, जो गरीब लोग बहुत सारे अभाव के कारण आपके एजुकेशन सिस्टम से दूर है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं हमने बिना किसी प्लान के एकदम से झोंक दी, समाज को ना तैयार किया, ना अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, मूल्य मानकों का कोई बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया, और हमने उस सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये तय कर लिया कि इससे कोई अलादीनी चिराग हमें मिल जाएगा और पूरे भारत को शिक्षित करने में हमें मदद मिलेगी। तो हमारी सरकारी योजनाओं में आप देखेंगे कि एक ताबड़तोड़ उत्साह के तहत स्कूलों में मिड डे मील, बच्चों के लिए बैग, बच्चों के लिए फ्री किताबें, बच्चों के लिए फ्री ड्रेस, बच्चों के लिए वजीफा और तमाम सुविधाएं, लेकिन वही ढाक के तीन पार, उसका कोई बहुत ज्यादा असर हमारे समाज में नहीं दिखा। फिर भी हम अगले दशकों तक लगातार ड्रॉप आउट आम संकटों पर बात करते रहे, और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियां जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रही थी, उनकी रिपोर्ट नकारात्मक और निराशापूर्ण आती रही। असर जैसे संस्थानों ने भी हमारे स्कूलों का मूल्यांकन किया, उसकी भी कोई बहुत आशाजनक रिपोर्ट्स उस कॉन्टेक्स्ट में या उस कंपेयर में नहीं आई जितना रिसोर्स हमने उसमें इनपुट दिया, उसका उतना आउटपुट हमें नहीं मिला। फिर हमने नए ढंग से कुछ तैयारियां अपनी शिक्षा व्यवस्था और सबके लिए शिक्षा कैसे मुहैया हो, इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी शुरू की। थोड़े कुछ सकारात्मक दबाव बदलाव आते गए, इतना जरूर हुआ कि देश के हर कोने और हर गांव स्कूल पहुंच गया, और बच्चों के लाने की कसरत भी समाज ने, सरकार ने मिलकर शुरू की, और इस तरह बहुत सारी लगातार एक दबाव बने, हम लोगों ने मेहनत की। लेकिन इन्हीं दिनों लगातार दुर्भाग्य से जो ग्लोबलाइजेशन के बाद
इन दो तीन दशकों में भारत में न्यू मिडिल क्लास बना, उसने हमारे इस पूरी कसरत की, हमारी इस पूरी मेहनत की हवा निकाल दी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद की पीढ़ी एक नए माइंडसेट में आ गई, उसे बाजार ने बिल्कुल अपने ढंग से तैयार कर लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूलों के प्रति जो एक हमारी मानसिकता थी वो बदलने लगी, और सरकार के प्रति या सरकारी स्कूलों के प्रति हमारा बेरुखा रवैया उन्हें बिल्कुल तन्हा जैसी स्थितियों में छोड़ने लगा। जो भारत का नया मध्य वर्ग था 1991 से 2020 तैयार इस पीढ़ी को, नए मिडिल क्लास की मेंटेलिटी को जब आप स्टडी करते हैं तो उसे सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज, सारी मॉडर्निटी प्राइवेट सेक्टर में दिखती है। इन पूरे दो तीन दशकों में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला बढ़ा है, प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, इससे समाज के साथ साथ सरकार को भी लगने लगा कि जब मेरा समाज ही या पूरी दुनिया ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहती है, हम अपने सरकारी स्कूलों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इतना अच्छा वेतन दे रहे हैं, इतने तमाम तरह के अभियान, स्कीम, कार्यक्रम, योजनाएं सरकारी स्कूल्स में ला रहे हैं, फिर भी पूरा समाज प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो इस बीच नए ढंग से सरकार समाज सोचने और पीपीटी पर बात होने लगी, प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेज को प्राइमरी स्कूल और ये सेक्टर देने की बात होने लगी, है ना, लो कॉस्ट स्कूल या अफोर्डेबल स्कूल का कंसेप्ट आने लगा, इस पर लगातार लिखा जा रहा है, समाज की मानसिकता बनाई जा रही है कि सरकार प्राइवेट स्कूल, अफोर्डेबल स्कूल बनाने की प्लान में है, रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल प्राइवेट और पीपीटी मॉडल पर बनाने की योजना बना रही है, रिलायंस को तमाम प्राइमरी स्कूल देने की योजनाएं बना रही है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट 91 के बाद आने शुरू हुए, और ये कब किस दिन किस साकार रूप में अवतार ले जाएं और हमारे आपके स्कूल्स और हम आपकी नौकरियां किसी कॉरपोरेट हाउस की नौकरियां बन जाएं, ये कोई बहुत अनिश्चित सा नहीं है, ये कभी भी किसी भी देश, किसी भी समाज में घट सकता है, क्योंकि दुनिया और समाज उस तरफ बढ़ने की तैयारियां। प्राइमरी स्कूलों में आप देखते हैं, मैं भी जाता हूं, मैं भी इनका स्टडी करता हूं, वहां एक फिल्ट्रेट मटेरियल बचा है, यह एक छना हुआ मटेरियल बचा है, गरीबों के स्कूल कहने लगे हैं, या गांव के जो दलित पिछड़े गरीब लोग हैं उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, कर्मचारी तक बच्चे नहीं भेज रहे, इन जो नौवे और केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें भी जो अपर क्लास का या मिडिल क्लास का सरकारी कर्मचारी है वो भी अडॉप्ट ना करके दूसरी तरह के एक स्टेटस सिंबल भी पब्लिक स्कूल को चुनना और अपने बच्चों को भेजना समाज में बंद है। हमारे दिमाग में अपने पैटर्न सेट करता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है। अब इसमें समाज में एक नई ढंग की हायरार्की फिर बन जाए।